वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। और ये जो लड़का है, ये देखें, ये लड़का, यहाँ से मैंने इसको मना किया है और ये बार बार इसमें से चीज़ें निकालता है और फरार हो जाता है। नो नो बेबी, नहीं करो बेटा। ये आप तो लड़के हो, आप थोड़ी करोगे मेकअप। हेलो, मैं मैंने भी ऑयल लगाया, इसकी मालिश की है थोड़ी सी, अब इसको मैंने हिलाने लगी थी तो ये यहाँ पे ड्रामे कर रहे, कभी इधर से चीजें निकालते कभी वहां से निकालते। लड़के को मैं एक कोने से पकड़ के लाती हूँ, ये दूसरे में आके छुप जाता है। क्या कर रहे हो यहाँ, क्या कर रहे हो? मैं नीचे फर्श पे नहीं छोड़ती, आज मैंने इसको नीचे बिठाया तो कितना खुश हो रहा। कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? अबू जेर, पकड़ लिया बेबी को, पकड़ लिया। ये ले जी, यहाँ ये लड़का हो गया रेडी। अब इसको देखिए, परफ्यूम लगाने के लिए किस पिस किस पिस करने लगा ना, तो आगे से स्माइल चेक करें इसकी। ये पिस पिस लगाता है तो बहुत खुश होता है। कैसे गुजर ने शावर ले लिया, फ्रेश हो गया है। अब इसको मैं कुछ खिला लूँ, उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में एक नई रेसिपी ट्राई करने। कल की तरह रेसिपी फ्लॉप नहीं होगी, दुआ करती हूँ कि आज वाली मज़े की बने और हम उसमें कामयाब हो जाएं। यहाँ मैंने मूंग की दाल को 2-3 घंटों से भिगो के रखा हुआ था। हम बनाने लगे हैं होममेड निम्को मूंग दाल की। और अब मैं इसको पहले ट्राई करूँगी किसी कपड़े में रख के, साफ कपड़े पे इसको मैं डाल के तो ट्राई करती हूँ। मैंने इसको एक रुमाल पे डाल लिया और अब मैं इसको ट्राई कर रही हूँ। अच्छी तरह इसका पानी जो है वो ये कपड़े में जज्ब हो जाएगा। तो जी, यहाँ मैंने दाल को कर लिया है अच्छे से ड्राई, ये देखें। अब इसको मैं करूँगी फ्राई। मक्खी को आपने इग्नोर करना, ठीक है ना जी? तो कढ़ाई में मैंने डाल लिया है ऑयल, अब इसमें मैं करूँगी फ्राई नीम को। ये पहले थोड़ी सी नहीं बल्कि एक दाना डाल के चेक करते हैं कि ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। ऑयल थोड़ा थोड़ा गर्म हो गया, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं पकाना है इसको, मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ी सी निम्को वाली मूंग की दाल, ये मैंने इसमें डाल दी दाल। इसको हिलाऊंगी, चम्मच कहाँ गया मेरा, चम्मच लेके ये लेंगे। इसको हम 7 से 8 मिनट तक बनाएंगे। और ये पुरानी सी मेरे पास वो है, क्या करती हूँ। और ये देखें जी, मेरी नीम को बहुत मज़े की लग रही है। अब मैं सारी फ्राई करके फिर आपको बाद में दिखाती हूँ और खा के बताऊँगी कि कैसी बनी है। तो ये देखें जी, नीम को बहुत मज़े की बनी है। इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा नमक और फिर हम इसको खाएंगे चाय के साथ। जी ये रही मेरी निम्को और चाय, आज वाली रेसिपी हो गई है कामयाब। और आज के लिए इतना ही, ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टाटा।